राधे राधे। आज फिर से हम श्री वृंदावन धाम के दर्शन करने पहुंच चुके हैं। हमारे साथ आशु जी हैं। राधे राधे। राधे राधे। 3 दिन से हमारे साथ हैं, हमें अलग अलग मंदिरों में लेके जा रहे हैं, उनकी कथाओं के बारे में डिटेल में बता रहे हैं। 2 दिन पहले भी हम इसी स्थान पे आए थे जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। ये वृंदावन धाम का परिक्रमा स्थान है, तो यहाँ से परिक्रमा होती है। अगर यहाँ से राइट चले जाएंगे तो आप निधिवन पहुँच जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी बड़ी पार्किंग स्पेस भी है, तो गाड़ी पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और यहाँ से आगे निधिवन पैदल जा सकते हैं। इस समय हम जा रहे हैं मीराबाई जी के मंदिर जी, यहाँ से इस रास्ते से। हाँ, 2 मिनट की दूरी पर यहाँ से मीराबाई जी का मंदिर है। अब आगे मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये वो प्राचीन स्थल है जब आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व चित्तौड़ की राजरानी भक्त मीरा वृंदावन में पधारी थीं, तब इसी प्राचीन स्थल पर मीरा जी ने लगभग 15 वर्ष तक श्री गिरधर गोपाल की उपासना की थी। मीरा जी को ब्रज में लाने वाले हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। ऊपर के सिंहासन में मध्य में मीरा जी के प्यारे गिरधर गोपाल हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और जाके सिर मोर मुकट मेरा पति सोए। गिरधर गोपाल के दाहिने हाथ पर मजीरे लिए मीरा जी हैं और बाएं हाथ पर श्री राधा रानी है। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम का दर्शन है। जब मीरा ब्रज में आई थी तो उन्होंने चंद शब्दों में जो ब्रज का चित्रण किया, वो आज भी पूरे विश्व में ब्रज की महिमा का गुणगान करता है। आली मोहे लागे वृंदावन नीको, निर मल नीर बहत जमुना को, और भोजन दूध दही को, और रतन सिंहासन आप बिराजें, और मुकुट धरो तुलसी को, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, और भजन बिना नर भी को। इस पद के अंदर मीरा जी की अभिव्यक्ति विद्यमान है। वह की वेदना में मीरा जी के हृदय से जो पुकार उठी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, और घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। अब मैं आपको मीरा जी की भजन कुटी का दिग्दर्शन कराना चाहूंगा। हाँ जी। आपको ये मीरा जी का प्राचीन भजन करने का पवित्र स्थल है। मंथ में मीरा जी का चित्रपट दिखाई दे रहा है, ये हाथ का बना हुआ है। महत्ता यह है कि जब ब्रज में मीरा जी साधु संतों का दर्शन करते हुए भ्रमण कर रही थी, तो उस समय जीव गोस्वामी नाम के परम उच्च कोटि के संत थे, जो समीप में ही राधा दामोदर मंदिर है उसमें तपस्या करते थे। वृंदावन के आचार्य थे, प्रमुख थे। प्रतिज्ञा थी कि मैं जीवन भर तक स्त्री का दर्शन नहीं करूँगा। जीव गोस्वामी जी का मीरा जी को परम आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसका उत्तर जानने के लिए एक दिवस जब उनके आश्रम के द्वार के पास पहुंची तो शिष्य ने उनको रोक दिया। उन्होंने पूछा, मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके गुरुदेव किसी स्त्री का दर्शन नहीं करते, मैं इसका कारण जानना चाहती हूँ। अंदर से प्रत्युत्तर आया कि स्त्री मोह माया का जाल है, प्रभु की भक्ति में बाधक है। तब मीरा जी ने विनयपूर्वक कहा, मैं तो ये जानती हूँ कि वृंदावन में पुरुष तो एक मेरा गिरधर गोपाल है, बाकी तो सभी गोपी स्वरूप है। इस ब्रज में तो देवों के देव महादेव भी पधारे, तो वे भी गोपी रूप धारण करने आने से गोपेश्वर महादेव कहलाए। महाराज मुझे क्षमा करें, आप नारी को माँ की दृश्य क्यों नहीं देखते, जिसके आचरण में छुप कर कभी आपने भी दुग्धपात किया। इस ब्रज की डाल डाल और पात पात यहाँ तक कि कड़कड़ में राधा और गोपियों का वास है। ये कहती हुई मीरा, बसो मोरे नैनन में नजलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, पद गाती इस स्थल पर वापस आ गई। जीव गोस्वामी सोचने लगे कि अब तक मैं कहाँ था। उनको ज्ञात नहीं था कि मीरा जी उनके द्वार पर आई। तक्षणी शिष्यों से पूछा, वो कौन नारी थी।
गुरुदेव वो मीरा जी पधारी थी जिन्होंने साक्षात गिरधर गोपाल को पति रूप में स्वीकार किया है। हो मुझसे बड़ी भारी भूल उठी, नंगे पांव भागी भागी आई मीरा माँ के चरणों में वंदन करके बोले, माँ मेरे अपराध को क्षमा करें। अंत में मैं आप लोगों का अभिनंदन करते हुए पूरे भारत तो क्या पूरे विश्व के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ मीरा जी की तरफ से। आज जो हमारी गृहस्थी में तनाव टकराव जो हो रहे हैं, जरा जरा सी बात पर रुष्ट पति पत्नी हो जाते हैं, यदि मीरा जैसी भक्ति का एक बूंद भी अमृत रस प्राप्त कर लिया तो आपके हृदय की वो भावना जो कलुषित वो निर्मल बन जाएंगी और उस भाव से एक बार इस मंदिर में आकर के मीरा जी का दिग्दर्शन करें और अमृत की चंद बूंदें मीरा जी के पदों के रूप में इस स्थल पर जो नूपुरों की भांति जंकृत रहती है आप भी उसका संसाधन करें। नववर्ष में आप सब भक्तों के लिए मैं यही प्रभु से कामना करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे पूर्व जो बीकानेर के परंपरागत राज दीवार मने उन्होंने 6 लगाए थे, प्रभु के पास से अब 1 शेष बचा है। ओह गॉड, हमने कभी नहीं देखा ये तो, मतलब हमने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा। जी हाँ, कि हमारे यहाँ ब्रज के तमाम मंदिरों में फाउंटेन बने, फवारे बने, लेकिन बॉल इसी मंदिर में चलती आ रही है, लगभग 260 वर्ष हो गए हैं। हमारे कृष्ण कन्हैया को मयूर बहुत पसंद था। हाँ जी, है सिर पे मुकुट है और ये देखिए इसके जो कण हैं ये मयूर के नाचते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसा खिड़के नाचता ना मयूर। हाँ हाँ हाँ। तो ये मयूर जैसा ही दिखाई दे रहा है। हाँ जी, और जब ये पृथक होता है जी, ये देखो पृथक हुआ और पुनः देखो आ गया। अच्छा, नीचे गिरकर बॉल अपने आप ऊपर चला गया। यही है हमारा 84 लाख यौनी भोगने के पश्चात मनुष्य को जब इस संसार में प्रभु ऐसे सत्कर्मी को पुनः जन्म देते हैं और पुनः वो पता करते हैं। बस महाराज जी आशीर्वाद दीजिए और हम यहाँ से प्रस्थान करें। बहुत अच्छे से आपने हमें जो मीराबाई जी की कथा सुनाई है ना, और उसके बाद ये देखकर तो मन प्रसन्न हो गया। जय श्री राधे। बोलो भक्त वत्सल गिरधर गोपाल की जय। बोलो भक्तमती श्री मीराबाई की जय। अब देखिए 2 मिनट की दूरी पर ही श्री शालिग्राम भगवान का टेम्पल है जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है हमारे वृंदावन का। अब उसका दर्शन कराएंगे आप। अब हम पहुंच चुके हैं वृंदावन के बहुत ही प्राचीन मंदिर और सभामन शालिग्राम जी मंदिर इनका नाम है और बहुत ही सुंदर अद्भुत दर्शन है। ऊपर चल के मैं आपको दर्शन कराऊंगा, आइए। मंदिर में आके हमने भगवान शालिग्राम के बहुत खूबसूरत दर्शन करे। हमारे साथ महाराज जी हैं, इस स्थान के बारे में और इसके महत्व के बारे में आप हमें थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ये शालिग्राम जी के 2 विग्रह हैं, एक सवा मन का विग्रह, एक मन का विग्रह है। सवा मन के विग्रह इस पृथ्वी, इतना बड़ा विग्रह पूरी पृथ्वी पर नहीं है। और छोटे शालिग्राम जी एक मन के हैं जो बलराम स्वरूप हैं। एक शालिग्राम जी हैं विष्णु स्वरूप, एक हैं शेष स्वरूप। ये शालिग्राम जी 1783 में हैदराबाद से आए थे। हैदराबाद से यहाँ वृंदावन आगमन हुआ। वृंदावन आगमन मुख्य कारण था तुलसी खातर। हैदराबाद में तुलसी नहीं मिलती थी तो शालिग्राम जी सपना दिए कि मुझे वृंदावन लेके जाओ, मेरा संबंध तुलसी से है। दूसरे राम जी आए, एक महात्मा जी लेके आए जो शेष अवतार हैं जिनको बलराम बुलसरूप बोले जाते हैं। इन्होंने वृंदावन आगमन हुआ। पूरे हिंदुस्तान संसार में ना शालिग्राम जी नाम से कोई मंदिर है और ना मिलेगा। अब बिल्कुल मैं भी वही सोच रहा हूँ कि हमने कहीं पर शालिग्राम जी का मंदिर नहीं देखा। अच्छा, अति सुंदर। हाँ, जितने भी मंदिर देवालय हैं बगैर शालिग्राम जी के बिना कोई मंदिर रहता ही नहीं है। कि शालिग्राम जी में सारे तीर्थों का और सारे देवताओं का निवास शालिग्राम जी में विराजमान होता है। शालिग्राम जी हैं तो सारे देवता हैं और शालिग्राम जी नहीं तो कोई देवता भी वहाँ नहीं है। कि जो मीरा को शालिग्राम जी ठाकुर जी प्राप्त हुए, ठाकुर भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप अपने हाथ से प्रकट करके उनके हाथ में समर्पित किया। जो भगवान का स्वरूप भगवान ने मीराबाई जी को दिया था, उस स्वरूप के हम दर्शन कहाँ कर सकते हैं? वो तो द्वारकाधीश चले गए थे, मीरा जी खुद चली गई और स्वरूप को लेकर, और स्वरूप को मीरा जी खुद द्वारकाधीश में समावेश कर गई। अच्छा।
बोले कृष्ण बलदेव की जय। अति सुंदर अति सुंदर महाराज, धन्यवाद धन्यवाद। खूब मंगल हो, खूब आनंद करें। राधे राधे। जय श्री, जय श्री राधे। अब हम आगे में दर्शन करेंगे श्री मदन मोहन मंदिर, जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से रिक्शा लेकर के हम मदन मोहन मंदिर के दर्शन करेंगे। ठीक है। अब देखिए, हम श्री मदन मोहन जी मंदिर पहुंच चुके हैं। ये वृंदावन के अष्ट देवालयों में से एक मंदिर है। जैसे वृंदावन में हमारे यहाँ 8 मेन टेम्पल्स हैं जो प्राचीन हैं, उनमें से एक ये मंदिर है। अब मैं अंदर चल के आपको इनका दर्शन कराऊंगा। आइए आइए, चलिए जी। अभी हमने मंदिर में श्री राधा मदन मोहन जी के दर्शन करे, साथ में ललिता सखी, एक तरफ श्री चैतन्य महाप्रभु जी और दूसरी तरफ श्री नित्यानंद महाप्रभु जी, उनके भी हमने मंदिर में आकर दर्शन करे। इस स्थान के बारे में कुछ और आप हमें जी मैं बताइए। ये जो आप मंदिर का दर्शन करते हैं, बड़ा ही सुंदर मंदिर का दर्शन है। श्री मदन मोहन जी का ये मंदिर श्री रामदास कपूर जी के द्वारा बनाया गया है। 1520 शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ। एक दिन रामदास कपूर जी का जहाज यहाँ फंस गया पानी में, तो रामदास जी का जैसे ही जहाज फंस गया तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान भगवान हमारे इस जहाज को निकालो। तो ठाकुर जी ने उन पर कृपा करी, उनका जहाज यमुना जी से निकलकर इस तट पर आकर के लग गया। तो उन्होंने जहाज से उतरकर जब दर्शन किया तो श्री सनातन गोस्वामी जी का उनको दर्शन हुआ। तो श्री सनातन गोस्वामी जी यहाँ पर तपस्या करते थे, भजन करते थे और अपने भगवान की पूजा सेवा करते थे श्री मदन मोहन जी की। अच्छा, ये जो आपने अभी दर्शन किया ये तो अभी नया दर्शन है। जो प्राचीन विग्रह है श्री मदन मोहन जी की, वो करौली में दर्शन है उसका। ऐसा क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने यहाँ आकर के आक्रमण किया, आक्रमण से पहले ही ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, तो फिर यहाँ से उनके विग्रह को वहाँ ले जाया गया। करौली कहाँ पर है? करौली जयपुर से कुछ किलोमीटर पहले पड़ जाता है। तो जब श्री रामदास कपूर जी श्री सनातन गोस्वामी जी को मिले तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया। जी बिल्कुल, जैसा आप कुछ देर से देख रहे हैं, मंदिर टीले के ऊपर है, बहुत शांत वातावरण है। यहाँ पर खड़े होकर नज़दीक में जब मैं घर देख रहा हूँ तो मुझे घरों की छतें दिखाई दे रही हैं। जब आप वृंदावन आएंगे तो यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आइएगा। अभी 12:30 बज चुके हैं, अभी बेहतर रहेगा हम चलकर लंच कर लेते हैं जी, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे जी। हमने सोचा लंच में जाने से पहले कुछ देर आश्रम विहार को एक्सप्लोर करते हैं। जब आप प्रेम मंदिर से चटिकरा चौराहे की ओर जाएंगे तो आपके राइट हैंड साइड पे आश्रम विहार करके एक बड़ी सी कॉलोनी आएगी। ये काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर आपको काफ़ी शांति मिलेगी क्योंकि मेन रोड से थोड़ा सा अंदर की तरफ है। यहाँ पर एक हिस्से में तो रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं, साथ में कुछ आश्रम भी हैं यहाँ पर। तो मेरे को एग्जैक्ट काउंट तो नहीं पता, बट समझ लीजिए 6 से 8 आश्रम तो हैं जहां पर लोग आते हैं और रह भी सकते हैं। तो आश्रम विहार गेट से हार्डली 100 मीटर हम अंदर की ओर आए हैं। तो सामने देखिए, ये एक आश्रम है, यहां पर रहने की सुविधा भी है। अंदर चल के चेक करते हैं और आपको रूम दिखाते भी हैं और हम खुद भी अंदर चल के रूम देखते हैं जी। तो भैया आप हमें ये रूम दिखा रहे हैं। अच्छा, ये है जी रूम। अच्छा, स्पेशियस रूम है। इन्होंने हमें बताया कि 800 रुपये चार्ज है डबल ऑक्यूपेंसी में। अच्छा, सामने खिड़की है, खिड़की खोल दो तो ठंडी हवा भी आती रहेगी। तो इस तरफ बाथरूम। अभी रिसेप्शन से मैंने ये विजिटिंग कार्ड लिया है, फोन पे आप बुकिंग करवा के यहाँ पे रहने आ सकते हैं। एक और चीज़ मैंने चेक करी, यहाँ पर इनका एक कैफेटेरिया भी है, वहाँ पर भोजन की सुविधा है। 90 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है, तो जो रहते हैं वो भी भोजन कर सकते हैं और कोई बाहर से आके भी कर सकता है, लेकिन
पहले बताना पड़ता है एडवांस में, जिससे कि वो आपके लिए तैयार करें। अब हम यहाँ से चलते हैं जी। अभी हम लंच करने भारतीय फूड एंड रेस्टोरेंट आए हैं, श्री बांके बिहारी मंदिर से। ये रेस्टोरेंट लगभग आधा किलोमीटर दूर है, मेन रोड पर ही है। हमने अपने लिए दोनों ने डीलक्स थाली ली है। अब आप देख लीजिए थाली में क्या क्या है। इधर से बताता हूँ मैं आपको, पुलाव, कढ़ी, मिक्स वेजिटेबल, दाल मखनी, शाही पनीर मेरा ऑल टाइम फेवरेट, साथ में बूंदी रायता, गुलाब जामुन, मिस्सी रोटी और तंदूरी नान, बेहतरीन। अभी मैंने सिर्फ मिक्स भाजी टेस्ट करी है, नंबर वन टेस्ट है। क्या कॉम्बिनेशन और क्या स्वाद है मिस्सी रोटी के साथ। हम इस समय फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मिठाई का सेक्शन है, वहाँ पर सिटिंग स्पेस भी है। जहाँ पर मैं बैठा हूँ मेरे सामने मेरे को ब्रिजवासी दिखाई दे रहा है। मथुरा के फेमस पेड़े कल हमने इस शॉप पर टेस्ट किए थे। अच्छा खाना है यहाँ पर, साफ सुथरी जगह है। 200 रुपया डीलक्स थाली का रेट है, लिमिटेड थाली है, मतलब आपको रीफिलिंग नहीं मिलती यहाँ पर। उस एक्स्ट्रा चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज है। खाना मेरे को यहाँ पे पसंद आ रहा है। लो जी, दाल मखनी भी टेस्ट कर लें। ओवरऑल मेरे को यहाँ का फूड काफी पसंद आया। फिनिश करने के बाद मैं आपको कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करता हूँ और फिर हम आगे का प्लान बनाएंगे, आगे हमें कहाँ कहाँ जाना है। मुझे आशु जी ने बताया भगवान के लिए जो पोशाक तैयार की जाती है उसकी वृंदावन और मथुरा में अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ के लिए भी पोशाक तैयार की जाती है और इंडिया में जगह जगह या हिंदुस्तान के बाहर भी यहाँ से पोशाक तैयार करके भेजी जाती है। तो इस समय हम एक यूनिट विजिट करने जा रहे हैं, तो देखते हैं पोशाक कैसे तैयार होती है जी। हम अभी कौन से एरिया में है? ये लिखा हुआ है किशोरपुरा के पास में है, कुम्हार गली किशोरपुरा जी। अभी हम यूनिट के अंदर आ चुके हैं। आप देखिए किस प्रकार से हैंड एम्ब्रॉयडरी करके पोशाक तैयार की जा रही है। तो भाई साहब एक चीज बताइए, ये कितने बरस से ये काम मथुरा वृंदावन में हो रहा है पोशाक तैयार करने का? कम से कम 80-90 साल से हो रहा है। 80-90 साल हो गए। हाँ। तो अंदाज में कितनी 400-500 यूनिट तो होंगी। हाँ, इतना है। जिसमें काम होता होगा। तो इसी से आप अंदाज लगाइए कितना बड़ा काम है भगवान के लिए पोशाक तैयार करना। मतलब काफी इंडस्ट्री और काफी लोगों को रोजगार भी इस काम से मिल रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, ऊपर देखिए ये जाली लगी हुई है, ये बंदरों से बचने के लिए है। और कोई कारण तो नहीं है ना? नहीं। अभी हमारा प्लान ये है, 3:30 तो बज चुके हैं, इस्कॉन चले, सीधे इस्कॉन जाएंगे। चलिए जी, यहाँ से कितना, 2 किलोमीटर? हाँ, करीब 2 किलोमीटर है। हम इस्कॉन पहुंच चुके हैं। पहले एंट्री इस गेट से होती थी, अभी यहाँ पर गेट है, वहां से एंट्री है। चलिए इधर को चलते हैं। अभी हम मंदिर के अंदर गए, बहुत अच्छा लगा। आप बैकग्राउंड में जो साउंड सुन रहे हैं भजन की, जब से हम आए हैं तब से हम देख रहे हैं कि भजन कंटिन्यूसली चल रहे हैं और जो यात्री आए हुए हैं सब मिलकर आनंद उठा रहे हैं। तो
हमें समझ लीजिए आधा पौना घंटा हो गया यहाँ पर, अंदर हम बैठे हुए थे और हम भी भजन का आनंद उठा रहे थे। ये टेम्पल अप्रोक्सीमेटली कब कंस्ट्रक्ट हुआ होगा? ये 1972 में श्री प्रभुपाद जी के द्वारा बनाया गया है, और आपने अंदर में दर्शन करे श्री चैतन्य महाप्रभु जी, नित्यानंद महाप्रभु जी के दर्शन है। दूसरी बारी में दर्शन है कृष्ण बलराम, और तीसरी बारी में ठाकुर श्री राधा रानी जी और ललिता विशाखा सखी के साथ में बड़े ही सुंदर दर्शन है। कृष्ण बलराम का दर्शन है, इसलिए मंदिर को कृष्ण बलराम मंदिर भी बोला जाता है। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके, और अब हम वहाँ पर सामने खिचड़ी प्रसाद मिल रहा है, उधर चलकर खिचड़ी प्रसाद खाते हैं फिर आगे चलेंगे। जी जी जरूर। बहुत स्वादिष्ट है, एक्सीलेंट। इस्कॉन से लगभग 4 किलोमीटर का सफर करके हम ततिया स्थान पहुंच चुके हैं। यहाँ आने के बाद हमने जो जो महसूस किया ये सब मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, कभी भी आप यहाँ पर आएंगे तो ध्यान रखिए मोबाइल फ़ोन या कैमरा लेके आप अंदर नहीं जा सकते। तो हमने अपने मोबाइल को ऑफ किया और अंदर गए, और इस समय बाहर हम आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ श्री वृंदावन बिहारी जी से। सर श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे। बाबा जी राइटर हैं और वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम भी करते हैं, तो आप हमें इस स्थान के महत्व के बारे में कुछ जानकारी देंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसा है कि आपने श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन किए ही हैं, और श्री स्वामी जी महाराज के वो प्रकट ठाकुर हैं, अर्थात उनके दर्शन स्वामी जी ने डायरेक्ट किए हैं और वही वहाँ विराज रहे हैं। उन्हीं श्री स्वामी हरदास जी महाराज के 8वीं गद्दी में श्री ललित किशोरी देव जी महाराज जी हुए, जिन्होंने इस स्थान की स्थापना की। इसमें छोटी सी कथा है, उसको सुनिए, वो इंटरेस्टिंग है कि इनके गुरु अर्थात श्री रसिक देव जी महाराज, जब उनने विचार किया कि करवा गुदरी दो चीज़ें इनकी बड़ी प्रधान हैं, इनको उनने गुप्त रूप में रख लिया था, अर्थात इसको धारण करने वाले भविष्य में नहीं होंगे। किंतु यह ललित किशोरी देव जी जो कि परम विद्वान थे और बड़े खोजी थे, इनने कहा कि स्वामी जी के जो चिन्ह हैं उन्हें ग्रहण करूंगा मैं। ऐसा करके वो उनके पास पहुंचे तो पहले तो उनने कहा कि भाई अरे स्वामी जी को ढूंढने वाला कोई आया है, बड़ी विचित्र बात है। जब उनने देखा कि हाँ ये वास्तव में योग्य है, तब इन्होंने उनको दीक्षा दी और स्वामी जी की गुदरी और स्वामी जी की बांकी उनको अर्पित की, अर्थात और कोई इस योग्य नहीं था। और इस स्थिति में वो यहाँ जमुना जी पर आकर के विराजित, सबसे पहले यहीं पर पुलिन में रेती में। तो इसके बाद धीरे धीरे ये उनने फिर यहाँ जहाँ पर आप देख रहे हैं वहाँ पर ये चुपचाप बैठे थे, और ये जो तटिया स्थान आप देख रहे हैं अर्थात केवल तटिया अर्थात बांसों की खपची से ये बनाया गया था। हाँ जी, इसीलिए इसको तटिया स्थान कहते हैं। अच्छा, बांस को बोलते हैं। हाँ, बांस की खपची से। अच्छा, हाँ, उसकी फंती से उसको बनाया गया। आप देख दिया है, आपने देखा है उसको। तो उन महात्मा ने विशेषता ये हुई कि उन श्री ललित किशोरी देव जी ने जो स्वामी जी की ओरिजिनल उनकी उपासना की पद्धति जो थी उसको उनने कायम किया, ये इसकी विशेषता है। बहुत सुंदर। अब मैं आपको बताता हूँ अंदर जाने के बाद मैंने क्या क्या महसूस किया। जैसे ही हम अंदर गए तो मुझे सबसे पहले तो ऐसा लगा कि हम पुराने वृंदावन में आ गए, जैसे आज से 300-400 साल पहले वृंदावन होता होगा। कहते हैं कि वृंदावन पहले वन था, जंगल, तो वैसा महसूस हुआ। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे पेड़ है, नीचे सैंड है। थोड़ा आप और अंदर मंदिर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आप मोहिनी बिहारी जी के दर्शन करते हैं। अब शाम का क्योंकि समय था तो अंदर समाज चल रही थी, मतलब जो महाराज जी थे वो गायन कर रहे थे और बाकी संत लोग सुन रहे थे, और कुछ टूरिस्ट भी शाम के समय आए हुए थे। हम लगभग अंदर आधा से पौना घंटा रहे। मन हो रहा था कि बैठे रहें और ये संगीत और ये गायन को हम सुनते रहें। वाकई में बहुत अच्छा लगा। शायद शब्द नहीं है मेरे पास इसको इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, अगर मैं ऐसे समराइज़ करूं तो। और मैं इतना ज़रूर बोलूंगा कि आप जब वृंदावन आएंगे तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए, इस अनुभव को खुद आके ही महसूस करना चाहिए। अनुभव कह लीजिए, शांति कह लीजिए, एक वाइब्रेशन कह लीजिए, बड़े सारे शब्दों से इस बात को
एक्सप्लेन किया जा सकता है। बाकी अभी हम बाहर आ चुके हैं। महाराज जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने समय दिया और हमें जानकारी भी दी। बड़ा अच्छा है, हमारा ये कर्तव्य है, धर्म है कि स्वामी जी के बारे में, वृंदावन के बारे में कोई जिज्ञासा करे तो उसे बताना। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। तटीय स्थान से 5 मिनट का सफर करके हम केसी घाट पहुंच चुके हैं। हम यहाँ पे शाम के समय जो आरती होती है वो देखने आए हैं। जी बिल्कुल। कहाँ से चलेंगे? ऐसे चलेंगे। ये देखिए, आप दर्शन करिए, श्री यमुना जी का आप दर्शन करेंगे। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये श्री यमुना जी का। यहाँ पर ठाकुर जी ने केशी दानव का वध किया था और केशी दानव का वध करने के कारण इस स्थान का नाम केशी घाट पड़ा। केशी दानव ये कंस का ममेरा भाई था, इस कारण ये ठाकुर जी को मारने आया था। ठाकुर जी के भी मामा का लड़का है। दूसरी बात, ये यमुना जी का मुख्य मंदिर है। बहुत खूबसूरत दर्शन है। जी जी। जय हो यमुना मैया की। जय जय श्री यमुना। जय जय श्री यमुना। अब हम पहुंच चुके हैं श्री राधा रमन जी मंदिर, जो कि वृंदावन के अष्ट देवालयों के मंदिर में से एक है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये निधवन से करीब 5 मिनट की दूरी पर यह मंदिर है और श्री बांके बिहारी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है। आइए अंदर चल के मैं आपको दर्शन कराता हूँ और मंदिर के बारे में लीला बतलाता हूँ। आइए जी। हम श्री राधा रमन मंदिर तो पहुंच चुके हैं लेकिन दर्शन नहीं कर सके क्योंकि मंदिर आज 10 मिनट पहले क्लोज हो गया। वैसे 7:30 का टाइम है तो आज 7:20 को ही क्लोज हो गया। हमने बाहर से दर्शन कर लिए, आप भी बाहर से दर्शन कर लीजिए, यहाँ पर फिर हम दोबारा लौट कर आएंगे। जी ठीक है। तो अभी चलते हैं। मैंने सुना श्री बांके बिहारी मंदिर के पास में एक फेमस चिल्ला मिलता है। जी चिल्ला। जी तो अभी जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं। हम चिल्ला वाली दुकान तक पहुंच चुके हैं। सामने आप देख लीजिए, यहाँ 2-3 दुकान है जो चिल्ला बेचती हैं। तो आशु जी हमें यहाँ पर लेकर आए हैं। मैं सोच रहा हूँ चिल्ला से पहले ना एक ग्लास कांजी वड़ा ले लें। ये कितने का एक ग्लास भैया? 30 रुपए का एक ग्लास दे दीजिए। और चिल्ला कितने का? 70 रुपए का चिल्ला। तो एक आप मुझे दे दीजिए और एक इनको दे दीजिए। लो महाराज कांजी वड़ा। वेरी गुड। सही स्वाद है। कांजी वड़ा का स्वाद बहुत अच्छा है। मिर्च हल्की सी तेज है। और एक चीज और मैं नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पर ना जो जो मैं खा रहा हूँ ना उसमें हींग मेरे को ज्यादा महसूस हो रही है। जैसे कचौड़ी खाई उसमें हींग तेज, इसमें भी हींग का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। टेस्टी है। मेन जो फ्लेवर है ना इसमें वो राई का है, उसी का मजा है। भैया हमारे लिए एक एक चिल्ला लगवा दीजिए, 2 चिल्ला लगवा दीजिए। मूंग दाल का चिल्ला, उसमें आलू का मसाला, बटर और पनीर। वेरी गुड। अच्छा अच्छा, साथ में भुजिया। क्या बात है। Thank you.
रॉकिंग टेस्ट है। पहले मेरे को ना लग रहा था भुजिया बड़ी अटपटा सा है, चिल्ला में भुजिया का क्या लॉजिक है, लेकिन स्वाद तो आ रहा है, मतलब सही बनाया। और साथ में जो अनारदाना डाल दिया ना, हाँ, इसका भी अपना अपना टेस्ट है। चार चांद लगा रहा है वो। चार चांद लगा रहा है। ये है कि हैवीनेस है क्योंकि इतना कुछ है इसमें, बट स्वाद मस्त है। चिल्ला क्रिस्पी है, अच्छी खासी लोडिंग है, अभी हमने अपने सामने बनते हुए देखा, टेस्ट अच्छा है। श्री बांके बिहारी मंदिर के बाहर ही ये शॉप है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया दो तीन दुकानें हैं जहाँ पर आपको चिल्ला मिलेगा। दोपहर के समय काफी भीड़ रहती होगी, है ना? इस समय 8:30 बजे का टाइम है, हम श्री बांके बिहारी मंदिर के पास ही हैं। इस समय भी चहल पहल है जी। तो मुझे लग रहा है आधा पौना घंटा तक रहेगा जी, फिर ये शॉप 9:30 तक क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब आशु जी आपको बाय बाय कर देते हैं। राधे राधे, जय श्री राधे राधे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, कल भी हम यहीं पर हैं और आपसे भी कल दोबारा मुलाकात होगी। बाय बाय, जय श्री राधे राधे।